आज का राशिफल 4 अप्रैल 2024। आज का पंचांग बताता है कि आज 4 अप्रैल को चैत्र कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है और ये दिन गुरुवार का है। दशमी तिथि गुरुवार को शाम 4:15 तक रहेगी और इस दिन श्रवण नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग है। सिद्ध योग 1:15 तक दोपहर तक रहेगा। इस योग में किसी भी कार्य को शुरू करना बहुत उत्तम होता है और इससे सफलता प्राप्त होती है। गुरुवार की रात 8:12 तक श्रवण नक्षत्र रहेगा। किसी दिन में श्रवण नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग रहेगा तो क्या होता है? श्रवण नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग एक विशेष स्थिति होती है जो ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये संयोग बहुत शुभ माना जाता है और इसे किसी भी कार्य को करने के लिए अनुकूल माना जाता है। श्रवण नक्षत्र में समाप्त होने वाला किसी भी कार्य या शुभ कार्य का आरंभ सिद्ध योग में अधिक सफलता और प्रभावकारी होता है। इस संयोग के दौरान विशेषतः सिद्ध योग के समय विभिन्न प्रकार के साधनाओं, पूजाओं, ध्यान, योगाभ्यास और मेधावी गतिविधियों का अध्ययन और अभ्यास किया जाता है। इस संयोग के माध्यम से व्यक्ति अपने जीवन में शांति, सुख, समृद्धि और सफलता की प्राप्ति के लिए अधिक प्रयास करता है। इस प्रकार श्रवण नक्षत्र और सिद्ध योग का संयोग एक शुभ समय होता है जिसका उपयोग उत्तम और सफलताप्रद कार्यों के लिए किया जा सकता है। आज का शुभ और अशुभ मुहूर्त। आज शुभ मुहूर्तों की बात करते हुए ब्रह्म मुहूर्त आज सुबह 4:42 से 5:30 तक रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह के प्रारंभिक समय को दर्शाता है, विशेष रूप से ज्योतिष शास्त्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। इस समय में मनुष्य के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत सारे लाभ होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह के लगभग 1.5 घंटे पहले सूर्योदय के पहले शुरू होता है और इसकी अवधि कार्यान्वयन के अनुसार बदलती है। इस समय में ध्यान, प्रार्थना, योग, ध्यान आदि की प्रारंभिक अभ्यास करने से व्यक्ति को मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। इसके अलावा शारीरिक शक्ति, विवेक और बुद्धि की प्राप्ति में भी ब्रह्म मुहूर्त का महत्व है। सूर्योदय आज सुबह 6:07 में और सूर्यास्त शाम 6:40 में होगा। सूर्योदय और सूर्यास्त दो समय है जब सूर्य की प्रकृति होती है या वह अदृश्य होता है। सूर्योदय वह समय है जब सूर्य पूर्वी दिशा में हो रहा होता है और पृथ्वी पर सूर्य के प्रकट होने की प्रक्रिया शुरू होती है। यह एक नए दिन की शुरुआत का समय होता है। सूर्यास्त वह समय है जब सूर्य पश्चिमी दिशा में जा रहा होता है और पृथ्वी पर उसका अदृश्य होने की प्रक्रिया शुरू होती है। यह एक दिन की समाप्ति का समय होता है और रात्रि की शुरुआत का संकेत होता है। अमृत काल सुबह 10:28 से 11:58 तक है। आज का अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:48 तक रहेगा। राहु काल दोपहर 1:58 से 3:32 तक रहेगा, जिसका अर्थ है कि इस समय किसी भी महत्वपूर्ण कार्य की शुरुआत न करें। इस समय शुभ कार्यों के लिए अनुकूल नहीं माना जाता है। आज सूर्य मीन राशि पर है। सूर्य मीन राशि पर होने से मकर राशि के लोगों को सूर्य की दृष्टि मिलती है। इसका मतलब है कि वे अपनी प्रभावशीलता और उत्साह में वृद्धि कर सकते हैं। ये समय अध्ययन, करियर और सामाजिक संबंधों के लिए शुभ हो सकता है, लेकिन उन्हें अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं पर ध्यान देना चाहिए। आज चंद्रमा मकर राशि में मौजूद है। चंद्रमा मकर राशि में मौजूद होने पर शनि के प्रभाव को अधिक बढ़ा देता है। ये समय अध्ययन, कार्य क्षेत्र में संघर्ष और कर्मठता के लिए महत्वपूर्ण होता है। लोग इस समय में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन सावधान रहते हैं क्योंकि शनि के संख्यात्मक और वास्तविक दबाव के कारण अधिक चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। इस समय में धैर्य, संयम और प्रतिबद्धता बहुत महत्वपूर्ण होती है। आज गुरुवार है। गुरुवार का महत्व। गुरुवार का दिन हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है और इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। विष्णु भगवान के प्रिय रंग के रूप में पीला रंग माना जाता है और इसलिए गुरुवार को पीले कपड़े पहनने का विशेष महत्व है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विशेष फल प्राप्त होता है और इसका महत्व बृहस्पतिवार के दिन से भी अधिक होता है। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और गुरु ग्रह के शुभ प्रभाव को बढ़ावा मिलता है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से विष्णु भगवान के आशीर्वाद का अनुभव होता है, क्योंकि उन्हें गुरु ग्रह का प्रतिनिधित्व माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गरुड़ देव ने गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की थी और उन्हें प्रसन्न किया था, जिससे उन्हें विष्णु जी की कृपा प्राप्त हुई थी। इस घटना के बाद गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा के लिए विशेष रूप से माना जाने लगा।
इसलिए गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरुवार व्रत की पूजा विधि। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी की पूजा करने की विधि विशेष महत्व रखती है, जिसमें हल्दी, चना दाल, पीले रंग का वस्त्र, गुड़, नवेद आदि की अर्पणा की जाती है। गुरुवार के दिन पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र पहनने और वस्त्र दान करने से विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। व्रतधारी व्यक्ति सुबह उठकर स्नान कर घर के मंदिर में जाते हैं और भगवान को साफ कर उन्हें चावल और पीले फूल अर्पित करते हैं। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें थोड़ी हल्दी डालकर विष्णु भगवान या केले के पेड़ की जड़ को स्नान कराया जाता है। उस लोटे में गुड़ और चने की दाल डालकर रख ली जाती है। अगर केले के पेड़ की पूजा की जा रही है तो उस जल को पूजा के बाद पौधों में डाल दिया जाता है। फिर भगवान को हल्दी या चंदन से तिलक करने के बाद पीले चावल चढ़ाए जाते हैं और घी का दीपक जलाकर कथा की शुरुआत की जाती है। कथा के बाद उपला लिया जाता है और उसमें घी डाला जाता है और फिर अग्नि में हवन सामग्री की आहुति दी जाती है। साथ में गुड़ और चने भी डाले जाते हैं। 11 बार ओम गुण गुरुवे नमः मंत्र का जाप किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु और बृहस्पति देव की आरती उतारी जाती है। समाप्ति में क्षमा प्रार्थना की जाती है। इस रीति रिवाज को पालन करते हुए व्रतधारी व्यक्ति भगवान विष्णु की कृपा और आशीर्वाद की कामना करते हैं और उनसे जीवन में सुख शांति और समृद्धि की प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं। गुरुवार का व्रत रखने से क्या लाभ होता है? गुरुवार का व्रत रखने से कुंडली में गुरु दोष होने की स्थिति में बहुत लाभ होता है। इससे गुरु की स्थिति मजबूत होती है और उनके आशीर्वाद से परेशानियां कम होने लगती है। गुरुवार के दिन व्रत रखने के साथ सुबह स्नान के समय पानी में थोड़ी हल्दी मिलाना चाहिए। इसके साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह व्रत जीवन में सुख और समृद्धि को बनाए रखने में मदद करता है। कुंडली में बृहस्पति ग्रह को शक्तिशाली बनाने के लिए ओम ब्रिन बृहस्पति नमः या ओम ब्रौम ब्री ग्रौन सह गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें। इसे नियमित रूप से जप करने से गुरु की शक्ति में वृद्धि होती है। इन राशियों के लिए यह एक महत्वपूर्ण और शुभ दिन हो सकता है, जहां वे अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। उन्हें अपने साधनों में सफलता की प्राप्ति का अवसर मिल सकता है और वे अपने जीवन में समृद्धि के साथ आगे बढ़ सकते हैं। आइए जानते हैं आज यानी 4 अप्रैल के दिन किन किन राशियों के लिए लकी रहने वाला है, साथ ही उपाय के बारे में भी जानते हैं। मेष राशिफल टुडेज एरीज हॉरोस्कोप। आज का दिन मेष राशि वालों के लिए बिजनेस के मामले में अच्छा रहने वाला है। आपको अपनी योजनाओं के साथ अकस्मात लाभ मिलने की संभावना है, जिससे आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपका रचनात्मक कार्य के प्रति ध्यान रहेगा, जिससे आपके कार्य में सफलता की संभावना बढ़ेगी। आपको कुछ मामलों में बड़ों की बात नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इसमें आपको कोई नुकसान उठाना पड़ सकता है। सावधानी बरतें और अपने निर्णयों पर ध्यान दें। कार्य क्षेत्र में आपका नाम चारों ओर फैलेगा, जिससे आपकी प्रतिष्ठा और सम्मान में वृद्धि होगी। आपको किसी पुरस्कार के मिलने से आपकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहेगा। आपको एक से अधिक स्रोतों से आय प्राप्त होती दिख रही है, जो आपके आर्थिक स्थिति में सुधार और वित्तीय समृद्धि में मदद करेगी। इस अवसर को प्राप्त करने के लिए सावधानी पूर्वक काम करें और अपने वित्तीय योजनाओं को पुनरावलोकन करें। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग आसमानी। मेष राशि का उपाय रेमेडी। आज की मेष राशि के लिए सर्वाधिक उपाय करियर में उन्नति के लिए है। गुरुवार के दिन घर में नारायण की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। नारायण की पूजा से सभी दुख दूर होते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को हल्दी और गेंदे के फूलों की माला अर्पित करना उनकी कृपा को प्राप्त करने में मदद करता है। हल्दी का रंग भगवान विष्णु का प्रिय रंग है और इससे उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। इसके अलावा लक्ष्मी नारायण को पीले रंग की मिठाई और बसंती पुलाव अर्पित करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीले रंग की मिठाई और बसंती पुलाव उनकी प्रिय भोजन होते हैं और इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। अंत में लक्ष्मी नारायण को लड्डू का भोग लगाना भी उनकी पूजा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। लड्डू उनकी प्रिय मिठाई होती है और उनकी प्रसन्नता के लिए यह अर्पण किया जाता है। अपनी मनोकामनाओं को बोलकर नारायण बीज मंत्र का जाप करते हुए लक्ष्मी नारायण को आरती करके पूजा को समाप्त करना आवश्यक है। इन उपायों को अपनाकर मेष राशि वाले व्यक्ति अपने करियर में सफलता और स्थायित्व की दिशा में अधिक प्रभावी बन सकते हैं। वृषभ राशिफल टुडेज टॉरस हॉरोस्कोप। आज का दिन वृषभ राशि वालों के लिए निवेश के मामले में विशेष ध्यान देने योग्य है। किसी निवेश को सोच समझकर करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि यदि आपने किसी फंड में पैसा लगाया है तो आपके पैसे के डूबने की संभावना हो सकती है।
इस समय में भगवान की भक्ति में ध्यान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो आपको स्थिरता और संतोष की अनुभूति कराएगा। आपको नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, जो आपको खुशी और नए दिशाओं में ले जाएंगे। प्रेम जीवन में धोखा मिलने की संभावना हो सकती है, जिससे आपका मन परेशान रहेगा। अपने साथी के साथ संवाद में होने का समय हो सकता है, जिससे संबंधों में स्पष्टता आ सकती है। माताजी की सेहत के प्रति अच्छे संबंध बनाए रखना आवश्यक है, क्योंकि उनके साथ किसी भी समस्या का सामना करना संभव हो सकता है। आपको किसी को धन उधार देने से बचना चाहिए, क्योंकि इसके लिए आपको आजकल उपयुक्त नहीं हो सकता। आज के लिए शुभ अंक 3। आज के लिए शुभ रंग लाल। वृषभ राशि का उपाय रेमेडी। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। आज तुलसी जी को दीप दान करना उनके लिए अत्यंत शुभ होता है। तुलसी जी को दीप दान करने से वृषभ राशि के जातकों को मानसिक शांति और धार्मिक उत्थान मिलता है। दिया में अक्षत चावल और गुलाब के फूल डालना इसे और भी प्रसन्नता और सुंदरता से सजाने का अद्वितीय तरीका है। नारायण मंत्र का जाप करते हुए दीप जलाना इस उपाय को और भी शक्तिशाली बनाता है। नारायण मंत्र ओम नमो नारायणाय का जाप करें। इस मंत्र के जाप के दौरान दीपक को जलाने का क्रम करें। नारायण मंत्र का जाप करने से न केवल आपके घर में शांति और सुख की वातावरण बनी रहती है, बल्कि आपकी सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती है। यह उपाय आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाता है और आपको समृद्धि और सफलता की ओर अग्रसर करता है। इसलिए आज तुलसी जी को दीप दान करने के साथ साथ नारायण मंत्र का जाप करना न भूलें और अपने जीवन को और भी सफल बनाएं। मिथुन राशिफल टुडेज जेमिनी हॉरोस्कोप। आज का दिन मिथुन राशि वालों के लिए एक मिश्रित अनुभव लेकर आ रहा है। शेयर मार्केट या रियल एस्टेट जैसे निवेशों में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के लिए, यदि वे पहले से ही अपने धन का निवेश कर चुके हैं, तो आज उन्हें अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। इस दिन का अनुभव आपको स्थिरता और संतोष की अनुभूति कराएगा। आपका मन जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर परेशान रहेगा। आपके आपसी रिश्तों में लड़ाई या झगड़े के कारण रिश्तों में दरार पैदा हो सकती है। इस समय में सावधानी बरतें और अपने व्यक्तिगत और सामाजिक संबंधों को महत्व दें। किसी निर्णय को शीघ्रता और भावुकता में नहीं लें, क्योंकि बाद में आपको उसके लिए पछतावा हो सकता है। धैर्य बनाए रखें और समय लेकर सही निर्णय लें। आपके बच्चों को सही रास्ते पर लाने के लिए उन्हें डांटना जरूरी हो सकता है। उन्हें उनके उद्देश्यों और दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए आपका सहयोग और निरंतर समर्थन महत्वपूर्ण है। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग नीला। मिथुन राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय मिथुन राशि के जातकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज माता दुर्गा को 16 अपराजिता फूलों का अर्पण करना चाहिए। ये फूल दुर्गा माता के प्रतीक होते हैं और उनकी कृपा को प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही आपको एक पीले कागज में अपनी मनोकामना लिखकर उसे माँ दुर्गा के पास रखना चाहिए। इस कागज पर लाल रंग की कलम से माँ के पास लिखी गई मनोकामना आपकी इच्छा को साकार करने में सहायक होगी। फिर हर फूल को अर्पित करते समय मनोकामना बोलते हुए दुर्गा बीज मंत्र ओम दु दुर्गाय नमः का जाप करें। यह मंत्र दुर्गा माता की कृपा को प्राप्त करने में मदद करता है। अंत में दुर्गा चालीसा का पाठ करें। दुर्गा चालीसा का पाठ करने से माँ दुर्गा की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इन सभी क्रियाओं को नियमित रूप से करके मिथुन राशि के जातक अपनी मनोकामनाओं को पूरा कर सकते हैं और जीवन में समृद्धि और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कर्क राशिफल टुडेज कैंसर हॉरोस्कोप। आज का दिन कर्क राशि वालों के लिए पिछले दिनों की तुलना में अधिक उत्तम और सकारात्मक रहने वाला है। यदि आपको संतान के करियर को लेकर कोई चिंता थी, तो आज वह समस्या दूर होती दिख रही है। अगर किसी परिवार के सदस्य को कोई नई नौकरी मिल रही है, तो परिवार में खुशी का माहौल बना रहेगा। आपको अपने मित्रों और सहयोगियों का पूरा समर्थन मिलेगा, जो आपकी ऊर्जा को बढ़ाएगा। कार्य क्षेत्र में आपको कामों पर पूरा ध्यान लगाने की आवश्यकता है। संभावना है कि यदि आप ध्यान नहीं देते तो कोई गलती हो सकती है, जो आपके प्रोफेशनल जीवन को प्रभावित कर सकती है। वे जातक जो समाज सेवा से जुड़े हैं, उन्हें अपने कार्यों को जारी रखने की आवश्यकता है। उनका योगदान समाज में सकारात्मक परिणामों के लिए महत्वपूर्ण है और उनके यहाँ लगातार काम करना जरूरी है। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग संतरी। कर्क राशि का उपाय रेमेडी। आज का उपाय कर्क राशि के जातकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आज पक्षियों को दाना खिलाने का अनुभव करना चाहिए। पक्षियों को दाना खिलाने से हम न केवल उनकी मदद करते हैं, बल्कि हमारे अंतर्दृष्टि और करुणा का परिचय भी होता है। इसके अलावा इस क्रिया से हमारा कर्म फल में वृद्धि होती है।
पक्षियों को दाना खिलाने के द्वारा हम अपने कर्मों को पवित्र बनाते हैं और धन प्राप्ति के संकेत मिलते हैं। इस उपाय के माध्यम से हम सेवा भावना को बढ़ाते हैं और समृद्धि के मार्ग को प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही पक्षियों को दाना खिलाने से हमारा सौभाग्य भी बढ़ता है। ये हमें समृद्धि, सुख और सफलता की ओर अग्रसर करता है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से हमारे जीवन में स्थिरता और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए आज कर्क राशि के जातकों को पक्षियों को दाना खिलाने का उपाय करके अपने जीवन में धन प्राप्ति और सौभाग्य को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। सिंह राशिफल टुडेज लियो हॉरोस्कोप। आज का दिन सिंह राशि वालों के लिए उत्तम संकेत लेकर आ रहा है, जो उन्हें उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद करेगा। यदि आप किसी नए काम की शुरुआत कर रहे हैं तो उसमें आपको सफलता की प्राप्ति के लिए अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। पार्टनरशिप में किसी काम को करने के मामले में यदि आप मनमर्जी से चले गए तो इससे आपके और आपके साथी के बीच लड़ाई और झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। संतान के साथ आपको थोड़ा धैर्य और समझदारी बनाए रखने की आवश्यकता है। राजनीति में जो लोग अपने प्रयासों में हाथ आजमा रहे हैं उन्हें अपनी प्रतिभा और मेहनत पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में कमी नहीं करनी चाहिए। आपको कहीं घूमने जाने की भी योजना बना सकते हैं जो आपको नए और आनंदमय अनुभवों की दुनिया में ले जा सकती है। आखिरकार आपको कोई खोई हुई चीज मिल सकती है जो आपके दिन को और भी खास बना सकती है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग बैंगनी। सिंह राशि का उपाय क्रेमरी। सिंह राशि के जातकों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमें हनुमान जी के सबसे पसंदीदा भगवान राम की पूजा करनी चाहिए। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करना भी उत्तम विचार है। हम राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं ताकि हमारे जीवन में सुरक्षा और संतुलन की वृद्धि हो। ये स्तोत्र हमें भगवान राम की कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करने में सहायक होता है। राम रक्षा स्तोत्र के पाठ के द्वारा हम हनुमान जी के माध्यम से भगवान राम की आराधना करते हैं। हनुमान जी राम भक्त हैं और उनकी पूजा से हमें आत्मविश्वास और साहस की वृद्धि होती है। इस उपाय को नियमित रूप से करने से हमारी आत्मा को शांति मिलती है और हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके हम अपने जीवन को प्राण और ऊर्जा से भर देते हैं और सभी कठिनाइयों को पार करने की शक्ति प्राप्त करते हैं। इसलिए आज सिंह राशि के जातकों को राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करके भगवान राम की पूजा करना चाहिए ताकि हमारे जीवन में आत्मविश्वास और सुरक्षा की वृद्धि हो। कन्या राशि फल टुडेज वर्गो हॉरोस्कोप। आज का दिन कन्या राशि वालों के लिए धार्मिक कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का समय है। यह एक शांतिपूर्ण और आत्मा को नया ऊर्जा का स्रोत प्रदान करने वाला दिन हो सकता है। कारोबार के क्षेत्र में व्यावसायिक संदर्भों में धन का उधार लेने की संभावना है, लेकिन सावधानी से निर्णय लेना आवश्यक होगा। आपको अपने जीवन साथी के साथ भविष्य के लिए कुछ योजनाएं बनानी होंगी जो आपके रिश्ते को मजबूत और सुखमय बना सकती है। किसी नई संपत्ति की प्राप्ति की इच्छा अब पूरी होने की ओर हो सकती है जो आपके वित्तीय स्थिति को सुधार सकती है। यदि कोई काम लंबे समय से अटका हुआ था तो उसके पूरे होने की संभावना बनी रहेगी जिससे आपका बोझ कम होगा। विद्यार्थियों के लिए अगर किसी परीक्षा के परिणाम आने का समय है तो उन्हें अपनी मेहनत का फल मिल सकता है। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग पीला। कन्या राशि का उपाय रेमेडी। आज कन्या राशि के जातकों के लिए उपाय का महत्वपूर्ण एवं शुभ दिन है। इस उपाय के तहत हमें भगवान गणेश को पहले हल्दी जल से स्नान करवाना चाहिए। हल्दी जल से स्नान करने से हमारे शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है और हमें शक्ति और ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसके बाद हमें पीले रंग का परिधान पहनना चाहिए। पीले रंग का परिधान पहनकर हम अपने मन को उज्ज्वलता और प्रसन्नता से भरते हैं, जो हमें अधिक सकारात्मक और संतुष्ट बनाता है। इसके बाद हमें पीले रंग का मीठा अर्पित करना चाहिए। मीठे वस्त्रों और खाने के अर्पण से हम अपने जीवन में मिठास और सफलता का आनंद लेते हैं। फिर हमें पीले रंग का फल केला भगवान को अर्पित करना चाहिए। केला भगवान गणेश की पसंदीदा चीजों में से एक है और इसका अर्पण करने से हम उनकी कृपा और आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं। इस पूजा के अवसर पर हम भगवान गणेश से अपने जीवन में चमक और सफलता की कामना करते हैं और उनकी कृपा से हमें सफलता की प्राप्ति होती है। इसलिए आज कन्या राशि के जातकों को यह उपाय करके अपने जीवन को उज्ज्वल और सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। तुला राशिफल टुडेज लिब्रा हॉरोस्कोप। आज का दिन तुला राशि वालों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से उत्तम रहने की संभावना है। अचानक लाभ मिलने से आपकी धन संबंधी स्थिति में सुधार हो सकता है, जिससे आपकी खुशी का अंदाजा ही नहीं होगा। ताजगी की स्थिति में यदि आपने शेयर मार्केट में निवेश किया है तो ध्यान दें, क्योंकि हानि का खतरा हो सकता है।
आपको जल्दबाजी में किसी काम को समाप्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपके बाकी कामों पर असर पड़ सकता है। विशेष रूप से बिजनेस करने वाले लोगों को सावधानी से किसी के साथ साझेदारी न करें, क्योंकि यह उन्हें धोखा दे सकता है। आज का दिन घर के कुछ गैजेट्स को ठीक करवाने के लिए भी समर्थ हो सकता है, इसलिए इसमें समय निकालें। व्यक्तिगत स्तर पर आपको किसी सरकारी योजना का लाभ मिल सकता है, इसलिए इसे ध्यान में रखें और उसका पूरा फायदा उठाएं। आज के लिए शुभ अंक 6। आज के लिए शुभ रंग मैजेंटा। तुला राशि का उपाय रेमेडी। तुला राशि के जातकों के लिए आज का उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमें भगवान शिव के 11 रुद्र अवतार हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने से हमें उनके आशीर्वाद में शक्ति, सुरक्षा और साहस का अनुभव होता है। पूजा के बाद हमें अपने हृदय की बात करने के लिए कपूर से आरती करनी चाहिए। यह आरती हमें मानसिक शांति और संतुलन की अनुभूति कराती है और हमें अपने आत्मा के साथ संवाद में लाती है। इसके बाद हमें बंदरों को भोजन करवाना चाहिए। बंदरों को भोजन करवाने से हम उनके प्रति कृतज्ञता का अभिवादन करते हैं और हमें अपने समाज में सहयोग करने का अवसर मिलता है। इस उपाय को करके हम अपने जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान पा सकते हैं और अपने आत्मा के साथ संवाद में आते हैं। इसलिए आज तुला राशि के जातकों को इस उपाय को नियमित रूप से करना चाहिए, ताकि उन्हें जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति हो। वृश्चिक राशिफल टुडे स्कॉर्पियो हॉरोस्कोप। आज का दिन वृश्चिक राशि वालों के लिए व्यवसाय के मामले में थोड़ा कमजोर रह सकता है, लेकिन यह आपके लिए एक महत्वपूर्ण अवसर भी हो सकता है। आपको अपनी योजनाओं को दिमाग से आगे बढ़ाने की जरूरत है और यदि आप इसमें सफल होते हैं तो यह आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। कला कौशल से आपको अच्छा नाम कमाने का मौका मिल सकता है, इसलिए अपनी कला और कौशल को बढ़ावा देने में समय निकालें। यदि आप किसी नौकरी को बदलने के लिए सोच रहे हैं तो यह आपके लिए संवेदनशील हो सकता है। आपको अपने मन में चल रही किसी समस्या को लेकर जीवन साथी से सलाह मशवरा करने में फायदा हो सकता है। हालांकि कुछ विरोधी आपके कामों में रोड़ा अटकाने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होगा। आपको अपने निर्णयों को सुनिश्चित रूप से लेना होगा और धैर्य से काम करना होगा। आज आपको किसी नई संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है जो आपके भविष्य को सुखमय और समृद्ध बना सकती है। इस अवसर को ध्यान से समझें और उसे अपने लाभ के लिए उपयोग करें। आज के लिए शुभ अंक 1। आज के लिए शुभ रंग हल्का नीला। वृश्चिक राशि का उपाय रेमेडी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आज का उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमें भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने से हमें आत्मिक शांति और संतुलन मिलता है और हमारे जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। पूजा के लिए हमें भगवान शिव को 16 बेलपत्र और 5 अपराजिता फूल अर्पित करने चाहिए। बेलपत्र और फूलों का अर्पण करने से हम उनके प्रति अपनी श्रद्धा और भक्ति का प्रकटीकरण करते हैं। हर बेलपत्र के ऊपर चंदन का टीका लगाना चाहिए, जो हमें शांति और प्रसन्नता का अनुभव कराता है। फिर हमें अपनी मनोकामनाओं को बोलकर बाबा शिव जी के सामने काले तिल का दीपक जलाना चाहिए। ये दीपक हमें आर्थिक समस्याओं से मुक्ति और धन की प्राप्ति में सहायक होता है। इस उपाय को करके हम अपने जीवन में स्थिरता, सुख और समृद्धि का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आज वृश्चिक राशि के जातकों को यह उपाय नियमित रूप से करना चाहिए, ताकि उन्हें आर्थिक समस्याओं से निजात मिले और उनका जीवन समृद्धि से भरा रहे। धनु राशिफल टुडे सजिटेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन धनु राशि वालों के लिए अद्वितीय संघर्षों का सामना करने का दिन हो सकता है, जिससे आपको अकस्मात लाभ प्राप्त हो सकता है। आप उन्नति की पथ पर अग्रसर रहेंगे और आपके प्रयासों का परिणाम आपके लिए उत्तम हो सकता है। आध्यात्मिक कार्यों की ओर आपका अग्रसर रहना आपके अंतरात्मा को शांति और संतुष्टि की अनुभूति करा सकता है। आपके लिए किसी यात्रा पर जाने का मौका हो सकता है, जो नए अनुभवों और संवादों का संचार कर सकता है। राजनीति में हाथ आजमा रहे लोगों को अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है, जो उनकी राजनीतिक करियर के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। आपके परिवार के सदस्यों के साथ आप धार्मिक कार्यों में सम्मिलित हो सकते हैं, जैसे कि भजन या कीर्तन, जो एक आत्मिक और प्राचीन परंपरा का हिस्सा हो सकता है। अगर आपकी माताजी आपसे किसी जिम्मेदारी का संदेश देती है, तो आपको उसे समय पर पूरा करने का प्रयास करना चाहिए, जो आपके परिवार के बंधन को मजबूत कर सकता है। आपके लिए उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे और किसी सरकारी योजना का पूरा लाभ मिलेगा, जो आपके आर्थिक स्थिति में सुधार ला सकता है। आज के लिए शुभ अंक 9। आज के लिए शुभ रंग सरसों पीला। धनु राशि का उपाय रेमेडी। धनु राशि के जातकों के लिए आज का उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमें शिव गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। शिव गायत्री मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि।
तन्नो रुद्रा प्रचोदयात। शिव गायत्री मंत्र का पाठ करने से हमें भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद मिलता है, जो हमें आत्मिक शक्ति, संतुलन और समर्थन प्रदान करता है। पाठ के बाद हमें घर के मुखिया द्वार में ओम चिन्ह सिंदूर से बना चिन्ह लगाना चाहिए। ओम चिन्ह को सिंदूर से बनाने से हम अपने घर में पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और अपने घर को नकारात्मकता से बचाते हैं। ये चिन्ह हमें स्थिरता और सुख शांति का अनुभव कराता है। इस उपाय को करके हम अपने जीवन में स्थिरता और सुख का अनुभव कर सकते हैं। इसलिए आज धनु राशि के जातकों को इस उपाय को नियमित रूप से करना चाहिए, ताकि उन्हें आत्मिक और सामाजिक समृद्धि का अनुभव हो। मकर राशि फल टुडेज कैप्रिकॉर्न हॉरोस्कोप। आज का दिन मकर राशि वालों के लिए मेहनत से काम करने का दिन होगा। व्यापार कर रहे लोगों को अच्छा लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। वाहनों का उपयोग करते समय सावधानी बरतना चाहिए, क्योंकि अनावश्यक आवेदन से दुर्घटनाएं हो सकती हैं। सेहत के मामले में ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि कुछ गिरावट या आपात स्थिति के कारण आप परेशान रह सकते हैं, जिससे काम में मन नहीं लगेगा। जीवन साथी के साथ क्रोध को नियंत्रित रखने की जरूरत है, क्योंकि ये उन्हें बुरा महसूस करा सकता है। आपको अपने आत्मसमर्पण और विनम्रता के साथ बड़े सदस्यों के साथ व्यवहार करना चाहिए। माता पिता के साथ खुलकर बातचीत करने से परिवार में चल रही समस्याओं का समाधान हो सकता है और आपको उनके साथ संबंधों को मजबूत करने का मौका मिल सकता है। आज के लिए शुभ अंक 2। आज के लिए शुभ रंग स्मोकी। मकर राशि का उपाय रेमेडी। मकर राशि के जातकों के लिए आज का उपाय अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज हमें बृहस्पति मंत्र का जाप करना चाहिए। बृहस्पति मंत्र ओम ग्रौम ग्री ग्रौम सह गुरुवे नमः। बृहस्पति मंत्र का जाप करने से हमें बृहस्पति ग्रह की कृपा मिलती है, जो हमारे जीवन में सफलता, सुख और समृद्धि का संकेत होती है। बृहस्पति मंत्र का जाप करते समय हमें श्रद्धा और भक्ति के साथ मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। इससे हमारे मन में शांति और संतुलन का अनुभव होता है और हमारे आत्मा में प्रकाश का संचार होता है। बृहस्पति मंत्र का जाप करने से हमारे जीवन में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का आगमन होता है। ये हमें उत्तम स्वास्थ्य, उच्च स्तर की शिक्षा और समृद्धि के क्षेत्र में सफलता प्रदान करता है। इसलिए आज मकर राशि के जातकों को बृहस्पति मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए, ताकि उन्हें जीवन में समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो सके। कुंभ राशि फल टुडेज एक्वेरियस हॉरोस्कोप। आज का दिन कुंभ राशि वालों के लिए किसी कानूनी मामले में सकारात्मक रहने वाला है। यह एक उत्तम समय हो सकता है, जब आपको अपने कानूनी मामलों में सफलता मिले और आप झगड़े या झंझटों से मुक्त हो सकते हैं। परिवार में यदि किसी सदस्य के विवाह में कोई बाधा आ रही थी, तो यह समस्या भी आज हल हो सकती है, जिससे परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। आपको अजनबी लोगों से दूरी बनाए रखने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि ये आपकी सुरक्षा और सुख शांति के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आपने किसी योजना में धन लगाया था, तो वह आपको आज अच्छा लाभ दे सकती है। इसलिए आपको अपने निवेशों को ध्यान से देखने की आवश्यकता होगी। आपको किसी धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल सकता है, जो आपके आत्मिक और आध्यात्मिक विकास में मदद कर सकता है। आपको अगर किसी जरूरतमंद व्यक्ति की मदद करने का मौका मिले, तो आपको उनकी सहायता अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि यह आपके कार्यों को और भी महत्वपूर्ण बना सकता है। आपको जीवन साथी को यदि किसी बात को समझाएं, तो वह आप पर विश्वास करेगा और आपके रिश्ते को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। आज के लिए शुभ अंक 7। आज के लिए शुभ रंग ग्रे। कुंभ राशि का उपाय रेमेडी। कुंभ राशि के जातकों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमें सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। सूर्य देव को जल चढ़ाने से हमें सूर्य ग्रह की कृपा मिलती है, जो हमें स्वास्थ्य, ऊर्जा और शक्ति प्रदान करती है। ओम ह्रा ह्री रौन सह सूर्याय नमः। यह मंत्र सूर्य देव को समर्पित होता है और हमें उनके आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए आह्वान करता है। सूर्य मंत्र का उच्चारण करते समय हमें अपने मन को शांत और ध्यानित रखना चाहिए। सूर्य मंत्र का उच्चारण करने से हमारे मन में शांति का अनुभव होता है और हमारा मन प्रकाशमय बनता है। सूर्य व्रत कथा का पाठ करते समय हमें ध्यान देना चाहिए कि सूर्य देव का व्रत करने से हमें समृद्धि, स्वास्थ्य और सफलता की प्राप्ति होती है। ये हमें अपने जीवन में प्रकाश और ऊर्जा की बरसात करता है। इसलिए आज कुंभ राशि के जातकों को सूर्य देव को जल चढ़ाना, सूर्य मंत्र का जाप करना और सूर्य व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। इससे उन्हें जीवन में समृद्धि, ऊर्जा और शक्ति की प्राप्ति होगी। मीन राशि फल टुडेज पाइसिस हॉरोस्कोप। आज का दिन मीन राशि वालों के लिए खुशनुमा और उत्साहजनक होने वाला है। जिन लोगों को रोजगार की तलाश में लंबे समय से दर दर भटक रहे थे, उन्हें आज कोई अच्छा अवसर हाथ लग सकता है।
यह अवसर उनके करियर में नई ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। आप आज दोस्तों के साथ कुछ समय मौज मस्ती करने में व्यतीत करेंगे, जो आपको खुशी और मनोरंजन मिलेगा। किसी काम को भाग्य के भरोसे छोड़ने की सलाह नहीं है। हालांकि यदि आप अपने काम में मेहनत करते हैं और सही दिशा में प्रयास करते हैं, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। ये भी संभव है कि आप आज किसी मकान या वाहन को अपने घर लेकर आ सके। आज आपकी किसी मित्र से लंबे समय बाद मुलाकात हो सकती है, जिससे आपका मनोबल और जीवन की खुशियां बढ़ सकती है। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित हो सकते हैं, जो आपके रिश्ते को और भी मजबूत बना सकता है और आपको एक दूसरे के साथ और अधिक जुड़ने का मौका दे सकता है। आज के लिए शुभ अंक 5। आज के लिए शुभ रंग क्रीम। मीन राशि का उपाय रेमेडी। मीन राशि के जातकों के लिए आज का उपाय बहुत महत्वपूर्ण है। आज हमें सुबह और शाम को ओम नमः शिवाय मंत्र का 1000 बार जाप करना चाहिए। यह मंत्र भगवान शिव को समर्पित है और हमें उनकी कृपा, शांति और सुख शांति की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है। इस मंत्र का नियमित जाप करने से हमारा मन शांत और ध्यानित रहता है और हमें अपने जीवन में स्थिरता और सफलता का अनुभव होता है। शिवाय नाम का जाप करने से हमारे मन में शांति और ताजगी का अनुभव होता है और हम अपने जीवन में प्रेम, सहानुभूति और समर्पण की भावना को विकसित करते हैं। आज का उपाय साधना, ध्यान और आध्यात्मिकता की ओर हमें उत्तेजित करता है। ये हमें भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करने का मार्ग प्रदर्शित करता है और हमारे जीवन को सुख, शांति और समृद्धि से भर देता है।